दोस्तों नमस्कार, आज हम जानेंगे कि ग्लोबल एक्स फ्यूचर में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, अपना वॉलेट ऐड कैसे करेंगे, आईडी एक्टिव कैसे करेंगे, अपना केवाईसी मतलब आप अपना एड्रेस और क्यूआर कोड कैसे अपलोड करेंगे, पेमेंट विड्रॉवल कैसे लगाएंगे, बूस्टिंग में अपना आईडी कैसे लगाएंगे, अपना रेफरल लिंक शेयर कैसे करेंगे, ये सभी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास किसी ने लिंक शेयर किया है तो आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप किसी भी ब्राउज़र पे जाएंगे, टाइप करेंगे globalxfuture.com। टाइप करने के बाद आपको कुछ इस तरह का होम पेज ओपन होगा, जिसमें आपको नीचे में मिलेगा कुछ वेलकम टू ग्लोबल एक्स फ्यूचर, और उसके डिस्क्रिप्शन कुछ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिलेगा गेट स्टार्टेड या साइन अप नाउ, उस बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उस पे आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में सबसे पहले आपसे स्पॉन्सर आईडी मांग रहा है, अगर लिंक के थ्रू आए होंगे तो अगर आपको यहाँ पे तो स्पॉन्सर आईडी डालना नहीं पड़ेगा, आपको स्पॉन्सर आईडी वहाँ पे लिंक के थ्रू जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो अगर आपने लिंक के थ्रू नहीं आया है और जैसे मैं बता रहा हूँ ब्राउजर के थ्रू आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ स्पॉन्सर आईडी चाहिए। तो स्पॉन्सर आईडी अगर नहीं मिलता है तो मैं जो डाल रहा हूँ आप भी उसे यूज कर सकते हैं। उस स्पॉन्सर आईडी है 75243। स्पॉन्सर आईडी जैसे ही डालेंगे नीचे में उसका नाम आ जाएगा, फिर आप अपना नाम डाल सकते हैं। आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी वही डालेंगे जो आप यूज करते हैं, क्योंकि कुछ भी होता है तो ओटीपी वगैरह आपका जो है इसी ईमेल आईडी पे जाएगा। अगर फॉरगेट करना होगा पासवर्ड वगैरह तो इसी पे ओटीपी जाएगा। तो आप अपना यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, ये क्या बोलते हैं ईमेल आईडी डालेंगे। फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कुछ भी आपको जो भी हो। मैं यहाँ पे गलत नंबर डाल रहा हूँ, कृपया आप इस नंबर पे कॉल वगैरह ना करें। पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप अपना चूज कर लें। कैप्चा आप इंटर करेंगे, टर्म्स ऑफ कंडीशन को अप्लाई करेंगे और साइन अप कर लेंगे। रजिस्टर्ड अकाउंट सक्सेसफुली का आपका नोटिफिकेशन आएगा, ओके करेंगे। आपके सामने आपका जो है यहाँ पे यूजर आईडी, आपका नाम और स्पॉन्सर आईडी आपका शो करेगा, नाम और ज्वाइनिंग डेट शो करेगा। क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करेंगे तो फिर आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आप क्या क्या देख सकते हैं आप देख लीजिए। यहाँ पे आप पहले है आपका कंपनी नोटिफिकेशन चल रहा है, ये आपका रेफरल लिंक है, इसे कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कहीं भी आप इसको शेयर करके आप अपना जो है मेंबर को जोड़ सकते हैं। चलिए इसमें आपको बूस्टिंग अर्निंग दिखाएगा, ऑटो पुल इनकम क्या है, डायरेक्ट इनकम क्या है, लेवल इनकम क्या है, टोटल विड्रोवल आपने कितना लगा रखा है अभी तक, टोटल रेफरल कितना आपका ज्वाइनिंग हो चुका है, करेंट पैकेज कौन सा है आपका, नॉट अभी जो है आपका आईडी एक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले आईडी एक्टिव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे कंपनी पेमेंट पे। कंपनी पेमेंट पे आएंगे, जैसे ही यहाँ पे आपको कंपनी का USDT BEP20 के थ्रू आप पेमेंट इसको करेंगे। पेमेंट करने के लिए कॉपी एड्रेस करेंगे या आप स्कैन करके इसका QR आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपने जितना पेमेंट किया है यहाँ पे अमाउंट, जैसे कि आपने $15 और $3.5 का ऑर्डर लगाया तो आपको यहाँ पे $18.5 मान लेते हैं, आपने $3.5 ऑर्डर किया तो $3.5 यहाँ पे करेंगे। ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ आईडी डालेंगे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी जो भी हो आप डाल लेंगे। फिर आप पेमेंट टाइप में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे BEP20 और फिर यहाँ पे आप स्क्रीन शॉट आप यहाँ पे डाल लेंगे। डालने के बाद आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप आएंगे, आपका पेमेंट यहाँ पे शो करने लगेगा। पेमेंट शो करने के बाद आप अपने जाएंगे पैकेज पे। पैकेज पे जैसे जाएंगे यहाँ पे आपको ऑर्डर नाउ का जो है ऑप्शन मिलेगा, या आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑर्डर का ऑप्शन देगा। जैसे ही आप उसे ऑर्डर कर लेंगे आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा। आईडी एक्टिव होने के बाद आपको आईडी किस थोड़ा इस प्रकार की दिखाई देगी।
सबसे ऊपर में जो होता है आपका डिटेल्स शो करता है, नाम, यूजर आईडी, ज्वाइनिंग डेट। नीचे में आपका जो होता है रेफरल लिंक होता है, जिसे आप कॉपी करके कहीं भी शेयर करके आप किसी को ज्वाइन करा सकते हैं, डायरेक्टली आपका स्पॉन्सर उसके पास चला जाएगा। अब देख सकते हैं सबसे पहले दिखा रहा है बूस्टिंग अर्निंग। बूस्टिंग अर्निंग हमने नहीं लगाया है, तो बूस्टिंग अर्निंग हमें नहीं मिला है। ऑटो पुल इनकम हमें मिला है, और डायरेक्ट इनकम मिला हुआ है, लेबर इनकम मिला हुआ है, टोटल विड्रोवल शो कर रहा है, हमने अभी तक $11 विड्रो कर लिया है, टोटल रेफरेंस हमारा 2 है, पैकेज अभी हमारा जो करेंट पैकेज चल रहा है $15 का चल रहा है, एक्टिव डेट हमारा शो कर रहा है, करेंट वॉलेट कितना है अभी वो शो कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखते और क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले अगर आपने पैकेज लगा लिया है, एक्टिव कर लिया है, तो अगर आपको पेमेंट अगर लेना है तो सबसे पहले आपको जो होगा अपना KYC कंप्लीट करना होगा। तो फाइल सेक्शन में जाना है और यहाँ पे पेमेंट डिटेल में आप अपना USDT 20 का ID यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और उसके बाद में ऐड वॉलेट कर लेंगे, या आप अगर चाहते हैं कि QR कोड भी अपना दे तो QR कोड, अपना पिक्चर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप अपना कोई भी एक QR कोड और एड्रेस आप वहाँ पे दे करके आप अपना KYC कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आप अपना पेमेंट लगाएंगे तो आपके एड्रेस पे पेमेंट चलाएगा। प्रोफाइल में और भी आपको मिलता है, पासवर्ड रीसेट करने के लिए, विड्रोवल पासवर्ड बनाने के लिए आप अलग अलग बना सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपका पासवर्ड सेम रहता है, बाकी आप अपना चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे टीम अपना चेक कर सकते हैं, आपका डायरेक्ट टीम के कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपका डायरेक्ट टीम देख सकते हैं, और टोटल टीम आपके नीचे कितना हो गया है वो देख सकते हैं। अभी तक हमारे पास टोटल टीम 3 हुआ है। इसमें सर्विसेज भी देख सकते हैं, रिचार्ज का है यहाँ पे, मान लेते हैं आपको रिचार्ज करना है तो यहाँ पे आएंगे मोबाइल रिचार्ज पे, आप अपने यहाँ पे ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको मान लेते ऑपरेटर है, नंबर, और यहाँ पे अमाउंट डाल के रिचार्ज पे क्लिक करेंगे, वो रिचार्ज आपका हो जाएगा। DTH भी रिचार्ज कर सकते हैं, DTH में भी वही है, ऑपरेटर सेलेक्ट करना है, अपना नंबर डालना है और अमाउंट डाल करके DTH रिचार्ज कर सकते हैं। अभी हमारे पास वॉलेट पे नहीं है, इसको वॉलेट पे से ट्रांसफ़र कैसे लेते हैं ये आप देख लीजिए। वॉलेट ट्रांसफ़र लेने के लिए आप आएंगे पेमेंट में है ट्रांसफ़र टू रिचार्ज, आप यहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट वॉलेट करेंगे किस वॉलेट से आप करना चाहते हैं, जैसे मान लेते एक्टिवेशन वॉलेट से या करेंट वॉलेट से आप यहाँ पे अपना जितना करना चाहते हैं, मान लेते $5 करना चाहते हैं तो $5 करेंगे, पासवर्ड करेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे, वो चला जाएगा रिचार्ज वॉलेट में। तो लगभग आपको मैंने इसमें बता दिया क्या क्या आप कर सकते हैं। अगर और भी कुछ आपको छूट गया है और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और भी डिटेल इसमें बता सकता हूं। और मैं बता दूं कि मैं इसका कोई प्रमोटर नहीं हूं, बस मैं इसका प्लान अच्छा लगा, मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया, और अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पे लगा सकते हैं, बहुत अच्छा प्लान है। और अभी तक जो भी है पेमेंट अच्छा से कर रहा है, तो आप इस पर सोच कर आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।